हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ओके, मुझे पता है जो गिना चुना लोग मुझे जानते भी थे इस चैनल के थ्रू, वो लोग मुझे भूल गए हो, क्योंकि मैं इतने दिन बाद वीडियो लेके आई हूँ। तो ये है मेरी मम्मी एंड मैं मतलब मम्मी को एक मेकओवर दे रही थी। सो मेरा मम्मी मुझे मतलब ज़्यादा फोर्स कर रही थी, मुझे सजा दो आज, तो तुम ऐसे बैठे हो तो सजा दो। तो मैंने बोली ओके, चलो मैं भी मतलब यूट्यूब में बनाने के लिए एक वीडियो मिल गया मुझे। तो फिर मैंने तो पहले तो मम्मी को मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के रखे थे, उनके फेस को मतलब अच्छे से प्रेप कर लिया था। देन मैंने प्राइमर लगाया ताकि जो ओपन पोर्स है वो बंद हो जाए। एंड फिर मैंने कलर कैरेक्टर इधर यूज़ की हूँ, और पहले तो फिंगर टिप की मदद से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड की हूँ। देन एक गीला ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मतलब मेरी मम्मी की ना जो आईज एरिया है ना, उधर थोड़ा ज़्यादा ही पिगमेंटेड है वो थोड़ा, तो इसीलिए मतलब कलर कैरेक्टर यूज़ की हूँ। एंड फिर मैंने मार्स का एक पैलेट ली हूँ इधर, कंसीलर पैलेट। एंड मम्मी की स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट शेड लेके मैंने अच्छे से मतलब उनकी अंडर आइज़ पे एंड आई लिड पे एंड माउथ एरिया पे थोड़ा सा लगा के मैं ब्लेंड कर ली हूँ। सो मतलब अच्छा, मैंने जो कलर कैरेक्टर यूज़ की हूँ ना, वो था शायद एलिगोल प्रो का, और जो प्राइमर यूज़ की हूँ वो है ना इसका इनसाइट का। हाँ अच्छा, मुझे ना मतलब कुछ याद ही नहीं, मैं भूल गई हूँ। मैं बहुत दिनों से मेकअप भी नहीं कर रही हूँ, बस स्किन केयर के ऊपर ही हूँ, और मेरा सारा मेकअप का सामान ख़त्म हो गया है। पता नहीं कितना पुराना सामान से मैं मतलब मेकअप कर रही हूँ, आई डोंट नो रियली। मम्मी बोल रहे मतलब मुझे अगर मेरा स्किन को कुछ हुआ तो तुम देख लेना, मतलब उनको करना भी था, देन मुझे मतलब धमकी भी दे रही थी। तो फिर मैंने इधर फिटमी का फाउंडेशन यूज़ की हूँ एंड उसको भी अच्छे से मैंने ब्लेंड कर ली हूँ। अच्छा, मैं सारा कुछ क्रीम प्रोडक्ट मतलब मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए जो कंट्रोल करके मम्मी की फेस पे हाईलाइट करके नोज़ का जो अच्छे से मतलब उसको ब्लेंड कर ली हूँ सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। सो उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर ली हूँ मैंने इधर। एंड मेरी मम्मी ना मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है, एंड वो मुझसे भी ज़्यादा मतलब स्किन केयर करती है अपनी, मतलब सब कुछ मुझसे चार कदम आगे आके है, ठीक है। ओके, तो फिर मैंने इधर उनकी जो अंडर आइज़ पे मैंने मतलब कंसीलर लगाया था, एंड पूरी फेस पे मतलब मैं पाउडर की मदद से मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ उनकी फेस। एंड मेरे हाथ पे लिटरली सिंदूर लगा हुआ है, आप देख सकते हो, मतलब उनकी मांग पे तो सिंदूर था ना, मैंने उनका मांग मतलब हाथ दिया था उधर ही, बस लग गया। देन मैंने उनका आईब्रो बनाया, मुझे पहले तो रियलाइज़ नहीं हुआ लाइट की वजह से, मैं उस साइड में थी। अभी मुझे वीडियो में रियलाइज़ हुआ कि देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया था आईब्रो, जो कि मतलब फ़ोटो में उतना समझ में नहीं आया था बाद में। एंड इधर मैं आई शेडो लगा रही हूँ उनकी क्रीज पे, पहले तो एक मैजेंडा कलर टाइप का मतलब मैं लेके पूरी क्रीज पे ब्लेंड कर दी हूँ सुंदर से। देन इधर एक गोल्डन शिमरी कलर लेके मैं उनकी इनर कॉर्नर से अप्लाई कर दी हूँ, एंड उसको मैं एक मतलब फ्लफी ब्रश की मदद से फिर उसको अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी, ताकि वो देखने में ना ज़्यादा हार्श ना लगे। और मैं अच्छे से लगा रही थी, मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना, मेरा मोबाइल का कैमरा क्वालिटी ना उतना अच्छा नहीं है, बट सामने से वो बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब मेरी मम्मी ना मुझसे भी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं खुद को क्यों सुंदर बोलूँ, बट मेरी मम्मी बहुत सुंदर है। देन मैंने इधर जेल आईलाइनर लिया है, एंड उसको थोड़ा सा मैं उनकी लोअर लैश लाइन के करीब करीब अप्लाई कर रही हूँ। देन एक ब्रश की मदद से मैं उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्लेंड कर दूँगी। हाँ, मेरा ना बातें लिटरली अटक रहा है, इतना दिन बाद वीडियो बना रही हूँ ना, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आई एम सो सॉरी। तो मैंने इसको भी अच्छे से ब्लेंड की हूँ, हाँ करके फिर जो शेड का मैंने क्रीज में अप्लाई किया था ना मम्मी का क्रीज पे, मतलब मैजेंडा कलर का शेड एक था ना, उसी से फिर मैं लोअर लैश लाइन के करीब करीब भी उसको क्या बोलते हैं ब्लेंड कर दूँगी। फिर मैंने आईलाइनर लगाया है इधर मम्मी को, और हाँ मुझे आईलाइनर लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देन मैं इधर थोड़ा सा ब्लश अप्लाई की हूँ उनकी चीक्स पे, नोज़ पे, चिन पे। देन थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई की हूँ इधर,
अच्छे से, एंड मैं बहुत खुश थी उनको मतलब रेडी करवा के. लाइक सीरियसली शी वॉज लुकिंग सो डैम प्रीटी. देन मैंने इधर मस्कारा भी लगाई हूँ. पहले तो मैं सोची थी कि एक फेक लैश लगाऊंगी, बट मुझे फेक चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं होता है. सो मैंने इधर फेक लैश नहीं लगाई हूँ उनके ऊपर, और अच्छा भी नहीं लगता शायद फेक लैश. देन मैं एक लिप लाइनर की मदद से लिप लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. देन एक क्या बोलते हैं इसको, न्यू शेड, मतलब ब्राउन न्यू शेड मैं अप्लाई की हूँ. मम्मी न्यू शेड नहीं लगाती है, वो बेसिकली रेड कलर की शेड ज़्यादा लगाती है, तो उनको पसंद नहीं आ रहा था पहले, बट मैंने बोला यही लगाना पड़ेगा. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो.